Dear friends, this is Dr. Manish, Dr. Satsangi's clinic, Delhi, Lucknow and Mumbai. स्किन में जो पांच इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ एजिंग, उसमें एक आती है फ्रेकल्स। आपने देखा होगा काले छोटे छोटे से स्किन के लीजन्स हमारे स्किन को खराब करते हुए पाए जाते हैं। नंबर टू इज कॉल्ड रिंकल्स। रिंकल्स भी हमें अफेक्ट करते हैं बिकॉज यू नो कि रिंकल्स इज गोइंग टू मेक यू लुक मोर एजेड। नंबर थ्री बहुत ही कॉमन है, उसको हम कहते हैं सन स्पॉट्स। जब भी हम सन से एक्सपोज होते हैं और एज के साथ हमारे स्किन पर जगह जगह काले काले धब्बे आते हैं। अगर आपने 70 इयर्स के ओल्ड पर्सन को देखा होगा तो आपने स्किन में उनके काले काले बड़े बड़े दाग देखे होंगे, उसको हम कहते हैं सोलर लेंटिजाइंस। दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज एंड दे आर कॉल्ड एज स्पॉट्स। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे स्किन पतला होता है एज के साथ। और पांचवा जो कि सबसे कॉमनली हम पाया जाता है, उसको हम कहते हैं फैट पैट्स, स्पेशली बैग्स बिलो द आईज। सो ऑल दीज फाइव थिंग्स टुगेदर विथ डिफरेंट स्कार्स लाइक एक्ने स्कार्स और स्किन के दाग धब्बे कुल मिलाकर हमारे स्किन के ग्लो को छीन लेते हैं। सिंपल भाषा में, इफ़ यू आर एज ऑफ 30 इयर्स यू लुक लाइक 60 इयर्स बिकॉज योर स्किन इज लॉस्ट द ग्लो। सो नाउ प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू योर स्किन एंड टेक फुल केयर ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ यू अंडरगो सम चेंजेस इन द स्किन, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट। आपको 5-6 दिन उसको देखना चाहिए। अगर आप घरेलू नुस्खे से उसको ठीक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। शुरुआत में हर चीज़ ठीक की जा सकती है नेचुरल चीज़ों से, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रही तो गो टू अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड इट एंड टेक अ प्रॉपर इन्फॉर्म चॉइस। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड जनरेशन स्किन ट्रीटमेंट्स इन होम्योपैथी थेरापेटिक्स, इज देर आर टू स्पेशल ट्रीटमेंट विच इज कम डाउन विद इट। वन इज कॉल्ड रीजन थेरेपी एंड सेकेंड इज कॉल्ड परमा होम्योपैथिक मास्किंग, दैट इज कॉल्ड परमा होम्यो मास्किंग। ये दोनों ही ट्रीटमेंट में इंटरनल होम्योपैथी का यूज होता है, एक्सटर्नल टिंक्चर्स का, प्लांट एक्सट्रैक्ट का, बायोकेमिक सॉल्ट के पेस्ट पाउडर, इन सब का यूज होता है। इसके अलावा स्किन फ्रेंडली थेरेपीज होती हैं जो कि नॉन लेजर बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोलाइट, स्किन कूलिंग। इनके यूज़ के साथ स्किन की टैनिंग, पिगमेंटेशंस, मोल्स, मस्से, इनका एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रीटमेंट दोनों एक साथ किया जा सकता है। और ये बहुत सेफ होती हैं। सपोज करिए आपके मुंह में भी चले जाएं ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, तो ये आपको कहीं भी नुकसान नहीं करते। दे डोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, सो दे आर वेरी सेफ। सो गोइंग विद द परमा होम्यो मास्किंग एंड रीजन थेरेपी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एंड एट डॉक्टर ससंगीज we are utilizing these two therapies, and Dr. Satsangi is, we have a very clear cut principles. Nature is the best laboratory, so we ensure that these treatments are done with full safety. और ये treatment के अंतर्गत मैंने इस बात को देखा, और आप ये slides देख सकते हैं ऊपर, ये patients की slides हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि इन procedures का हमने use किया, और लगभग 3 से 8 महीने का वक्त लिया है, और ज़्यादातर पेशेंट रिकवर हो गए और अभी दोबारा वो फॉलोअप के लिए नहीं आए, तो प्रोबेबली दे हैव बीन रिकवर्ड अ लॉट। और एक अच्छी बात है, हम ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट हम उनको डाइट में, उनके खान पान, उनके इंटरनल असेसमेंट के साथ इतने बदलाव उनकी बॉडी में वो प्रोड्यूस कर पाते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, कि ये ट्रीटमेंट पर्सनली उनको परमानेंट मिलता है। सो आई ऑलवेज टेल अबाउट टेकिंग द सेफ ट्रीटमेंट, अ ट्रीटमेंट विद अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। सो यू हैव अ चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, गो विद अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड एंड गो अहेड विद अ ट्रीटमेंट। नाउ ह्यूमन एरर, एक्सेस ऑफ एक्सपोजर्स, अनट्रेन हैंड्स आपके स्किन को ठीक करने की जगह परमानेंटली खराब कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कभी भी इस बात को इंश्योर नहीं करता है कि आपका स्किन दोबारा ख़राब ना हो, तो आपको इंटरनल ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता है। और ज़्यादातर आजकल वैनिशिंग क्रीम्स का यूज़ हो रहा है, स्किन फेयरनेस क्रीम्स का यूज़ होता है, जो कि अपने में शुरुआत में बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनके यूज़ से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन का लालपन होना, स्किन का पतला हो जाना और एजिंग का दिखना, ये भी इंड्यूस कर सकती हैं। आप फेयर तो नहीं होते हैं, लेकिन आपकी स्किन और ख़राब हो जाती है। हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, समटाइम्स मॉडरेट टू mild steroids are used in the creams, and retinoin based creams, salicyclic acid based creams, बहुत सारी creams use होती है, लेकिन इनका भी medical supervision होना चाहिए। patient अपने आप use करते रहते हैं, that's not right, that is going to make the case worse. तो ये एक basic मैंने आपको scene दिया, इसमें काफ़ी technical words use हुए होंगे, लेकिन definitely आपको कुछ, अगर आपको skin का treatment लेना है तो आपको कुछ technicalities आपको जानना जरूरी है। Now talking about the natural treatments which are available, देखिए Homeopathy has come down with a second generation homeopathic therapeutics for skin treatment. This second generation homeopathic therapeutics for skin treatment is one of the best in the skin treatment. Why? Because I'll tell you, homeopathic medications is one of the quickest spreading medicines in the last 2 decades, and people are opting for homeopathy because it is one of the safest, and it is very safe, can be taken by a small kit, and it is very effective.
I will reiterate my point, don't get exposed with excess of sunlight. Don't get exposed. This is one of the best tips which I can give you. Now, the second very important tip which I'm going to give you is moisturizing the skin. Our skin requires to be moisturized on a regular basis. See, some of the skin is a very oily skin. They are one of the healthiest skin. But most of the people do have a skin which is a regular skin or a dry skin. And that requires a regular use of moisturizer. So one of the best moisturizer that I've taken with my patients and I've seen a very good results, I'm not endorsing a brand, but it is Olay. Olay moisturizer, Olay night cream, Olay 7 effect, all these three have helped my patient like anything. And if you find some other moisturizer, you can use it. Natural moisturizers are like aloe vera gel, which you can procure from a good source. The good source in Ayurvedic are, if you go at higher levels, then it is forest essentials or Kama Ayurved. But if you want to have a small budget, you can go with a Khadi also. That's also one of the best aloe vera gel they provide. And aloe vera gel is a very natural moisturizer if it suits you well. Now, second very important tip, that is take a proper nutrition. Nutrition is very important. We understand that we take a good nutrition. Everyone is so careful about it. But what proper and what is specific? Omega acids. Omega acids are different kinds present. 3, 6, 9 is the keyword for the omega combination acids which you require. And plant origin omega acids are better to be digested. This is what I have seen with my experience. And in India, there are certain pharmaceutical companies, ऐसी बहुत सारी companies हैं जो कि jute से और अलग अलग plants से इसको extract कर रही हैं. फिर मैं endorse नहीं कर रहा हूँ कोई brand, लेकिन धनवंतरी नाम की company जो अपने Indian mark का है, उसने बहुत ही affordable range पे omega acids बनाई हैं जो कि 3, 6, 9 है. और patients ने इसको amazon.com पे जाकर आसानी से अपने घर पे मंगवाया, तो आप इसका use कर सकते हैं जब तक आप doctor के पास नहीं जा रहे. तीसरा सबसे important factor is stress. You know, stress is affecting us everywhere. Stress is present everywhere. How can you reduce our stress? No, you cannot reduce our stress. Dekhi, jab tak jeevan hai, tab tak to stress rahega because we are fighting with the life. Lekin how you take our stress is your understanding. So, main to chahunga ki aap jeevan ko celebrate kariye, dance kariye because wo beat raha hai lagatar. Take interest in life. Your stress shall reduce. Use whatever means, bring down the stress. This is what I can tell you. Now, I'm going to close my whole topic, but definitely I'm going to give you a small revision. देखिए skin का discoloration, उसके लिए आप aware हो जाइए, number one. Number two, जब भी थोड़ा भी आपको skin में changes लगे, तो उसको आप particular होकर उसको आप खुद fix करिए. घर की recipes use करिए, मम्मी दादा की recipes use करिए, doctor से मिलिए, natural दवाइयाँ use करिए, लेकिन उस पर कुछ करिए. Number three, sunlight के exposure से बचिए. वो बहुत अच्छा आपके शरीर के लिए, लेकिन आपके face और आपके skin aging के लिए सही नहीं है. वो पांचों साइन एजिंग के प्रोड्यूस करता है. आप जितना बचेंगे उतना आपका स्किन आने वाले दिनों में बेहतर रहेगा, स्पेशली एशियन पीपल्स की मैं बात कर रहा हूँ. और नाउ इन अ सक्सेंट, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट. देखिए स्किन डर्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स अगर आपको करनी है, तो इट इज़ बेटर टू बी विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट. बट यू चेक इट डाउन विद अ डर्मेटोलॉजी हाउ द पेशेंट्स हैव बीन अफेक्टेड एज अ फॉलो अप ऑफ दोज हु हैव बीन ट्रीटेड बाय द नेम्ड डर्मेटोलॉजी. But I may recommend you more towards a natural safe treatment. Homeopathy is a very good option. Go ahead with us. If you require any kind of information, you can speak to me at my regular numbers at Lucknow, Delhi or Mumbai offices. You can write to me at my mailing ID, that is called die.relief, T for train, H for hippopotamus, Y for Yemen, .relief, R-E-L-I-E-F @gmail.com. And I'm sure that you're going to share this information with your friends, your family members. And I'm so grateful that you have listened to me from initial to this stage. I'm sure it's going to help you out more. I'm going to bring out more information to you. Tab tak ke liye, thank you for joining me. And all the best. Have a great skin. Thank you very much.